हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए जो हम क्लास सिक्स की एनसीईआरटी कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम जो है चैप्टर फिफ्थ, जिसमें कि आपके पृथ्वी के परिमंडल के बारे में बताया गया है, उसी को डिस्कस करेंगे। इसमें जो है हम महाद्वीप को समझेंगे, महासागर को समझेंगे, साथ ही साथ जो आपके पृथ्वी में जो वायुमंडल है, जल मंडल है, जैव मंडल है, स्थल मंडल है, इसको भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पृथ्वी के परिमंडल में हम सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी, देखो पृथ्वी में दो तीन चीज़ें आपको पढ़नी होती है, महाद्वीप है, महासागर है, ठीक है। तो महाद्वीप क्या होता है कि जो समुद्र तल है, ठीक है, मान लो ये है और ये समुद्र है, ठीक है। तो समुद्र तल से, ठीक है, समुद्र तल से जो है उठे हुए जो पृथ्वी का विशाल भूखंड होता है, ठीक है, समुद्र तल से, तो उसको बोला जाता है महाद्वीप, ठीक है। और महाद्वीप से जो है पृथ्वी के स्थल भागों से, जैसे इधर स्थल भाग है, ठीक है, ये मान लो, तो इसके बीच जो जलाशय होता है, ठीक है, बहुत बड़ा जो जलाशय होता है, इसको कहा जाता है महासागर। क्लियर है? तो जो समुद्र समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूखंड को महाद्वीप कहते हैं, और जो पृथ्वी पर स्थल भागों से घिरे हुए जो विस्तृत जलाशय होता है, वो जो है आपका महासागर कहलाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे। और हाँ, जो जो हाईलाइट किया गया है, ठीक है, तो उसको जो है आप लिखते चलिएगा, ठीक है। तो आपका एक शॉर्ट नोट से भी बन जाएगा और एग्जाम के टाइम आप जल्दी से जो है क्विकली इसको रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पृथ्वी के भूमि भाग को क्या कहते हैं, स्थल मंडल। जो मैंने हाईलाइट किया है उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करते चलती हूँ, वही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो देखिए, जो पृथ्वी के भूमि भाग को स्थल मंडल कहते हैं, जो भूमि वाला भाग है वो स्थल मंडल कहलाता है। और स्थल मंडल जो है सैलों से बना होता है, जैसे कि जो चट्टाने जो हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम चट्टान भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्लास सेवन के एनसीईआरटी देखेंगे उसमें जो है चट्टान को, वायुमंडल पूरी तरीके से विस्तृत दिया हुआ है, उसको हम देखेंगे और यहीं से जो है आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो जो पृथ्वी का जो भूमि भाग होता है उसको स्थल मंडल कहते हैं, और स्थल मंडल जो है सैलों से बना होता है, ठीक है। तो सेल में जो चट्टान है उसमें क्या क्या आते हैं, जो पत्थर है, मिट्टी है, सारी चीजें शामिल होती है, मिश्रित रूप से जो है चट्टान का निर्माण करती है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और धरातल के जल वाले भाग को जलमंडल कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का जो भूमि भाग है वो स्थल मंडल, और जो जल वाला भाग है वो क्या कहलाता है, तो जलमंडल, ठीक है। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, ये पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी को पूरी चारों तरफ से एक आवरण की तरह एक क्या है, घेरा हुआ है चीज है, इसी को क्या कहा जाता है, ये जो है वायु से पूरी तरह से घेरा हुआ है, तो इसी को कहा जाता है वायुमंडल, ठीक है। पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहाँ ये तीनों परिमंडल एक दूसरे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है याद रखिएगा, पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहाँ ये तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जैव मंडल कहलाता है, ठीक है। जैसे कि ये है आपका स्थल मंडल, क्लियर है, यहाँ ले लीजिए आप जल मंडल, और यहाँ ले लीजिए आप वायुमंडल। तो तीनों जो तीनों का यहाँ पे जो संपर्क हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये है जल मंडल ले लो, ये वायुमंडल, ये जो है आपका स्थल मंडल, तो ये देखो तीनों जो है यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो क्या कहलाता है, जैव मंडल। तो ध्यान रखिएगा, जैव मंडल क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैव मंडल क्या है, इस तरह से आपको दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल जहाँ पे मिलते हैं वो कहलाता है जैव मंडल, ठीक है। इसी परिमंडल में जो है सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण, मतलब यहीं पे ही जो है जीवन जो है बनता है, जीवन की उत्पत्ति यहीं पे होती है, यहीं पे जो है आप कह सकते हैं कि जीवन जो है पाया जाता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं स्थल मंडल को। तो स्थल मंडल को भूपपटी या भूमि की ऊपरी सतह भी
कहते हैं, ठीक है। ऊपरी सतह जो होती है उसको जो है स्थल मंडल कहा जाता है। इसमें पृथ्वी के सभी छोटे बड़े भूखंड शामिल हैं। देखिए धरातल का लगभग जो एक तिहाई भाग ही जो है भूमि है, और विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका ये पृथ्वी है या जो धरातल है, ठीक है, धरातल पे जो है एक तिहाई ही जो है क्या है भाग है भूमि है, और जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी भूमि है भूखंड है, ठीक है, वो जो है क्या कहलाते हैं महाद्वीप। जैसे आपका अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, एशिया है, ठीक है, अफ्रीका है, तो इन जो विशाल भूखंडों को जो है महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरह जो विशाल जलाशय है उसको महासागर कहा जाता है। जैसे कि आप पढ़ते हैं प्रशांत महासागर, छोटे छोटे तालाबों को नहीं कहा जाएगा महासागर, महासागर होगा जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जैसे विशाल जलाशय होते हैं, जैसे प्रशांत महासागर ले लीजिए, ठीक है, अंटार्कटिक महासागर। तो इस तरह से जो महासागर होते हैं, विशाल जलाशय जो होते हैं उनको महासागर कहा जाता है, ठीक है। संसार के सभी महासागर एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। सभी जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, संसार के सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए समुद्र का जल स्तर सभी जगह एक ही रहता है। अगर आपको पूछा जाता है कि जल स्तर हर जगह एक रहता है, तो अगर स्टेटमेंट दिया जाता है तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा कि समुद्र का जल स्तर जो है हर जगह पे एक जैसा ही रहता है, क्योंकि सारे महासागर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्टेटमेंट में आपको दे दिया जा सकता है। समुद्र के जल स्तर को समुद्र तल कहते हैं, ठीक है। जो जल स्तर है मतलब जल है, ठीक है, और यहाँ पे है उसका यहाँ तक अगर जल है, तो इसको जो है आप क्या कहेंगे, समुद्र तल कहेंगे। हम स्थल भागों की ऊंचाई का या महासागर सतह की गहराई समुद्र तल से ही मापते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया कि ये जो है आपका, मान लो यहाँ पे जल भरा हुआ है, ठीक है, इस तरह जल, तो ये जो ऊपर वाला है ये जो है तल है। तो जो अगर हमें जो है, अगर महाद्वीप है, स्थल भाग है, ठीक है, उसकी ऊंचाई अगर मापनी है, जैसे कोई सबसे ऊंचा शिखर आपका एवरेस्ट है, तो हम जो है ऊंचाई को इस समुद्र तल से जो है इस तरह से मापेंगे, और गहराई भी मापेंगे, तो जो समुद्र की गहराई मापेंगे तो इस तल से ही जो है हम समुद्र की गहराई को मापते हैं, ठीक है। तो मापन जो है हमेशा कहाँ से होता है, तो आपके समुद्र तल से, ठीक है। और पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, तो एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है। क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। और महासागर में सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो मरियाना खाई, मरियाना ट्रंच जिसको बोलते हैं, मरियाना खाई। और जो कहाँ है आपके, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, यही जो है आपका मरियाना खाई है, जिसकी जो है लगभग गहराई कितनी है, तो 11,022 मीटर जो है गहराई है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हुई, और इसको याद रखिएगा कि समुद्र का जल स्तर हर जगह बराबर रहता है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि अगर हमें ऊंचाई मापनी है, गहराई मापनी है, तो हम जो है समुद्र तल से मापते हैं। किसी भी एग्जाम में अगर स्टेटमेंट के रूप में देता है तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, महाद्वीप देख लेते हैं। तो पृथ्वी पर मुख्यतः क्या है, 7 विशाल भूखंड है, ये आपको पता है, और इसी को क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। और ये कौन कौन से हैं, जैसे कि आप एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, और क्या है आपका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये चीज़ें जो है यहाँ पे आपको है, ठीक है, यूरोप। तो ये देखिए आप क्या कीजिएगा, आपका एक काम रहेगा कि आप जितने भी मैप लीजिएगा, वहाँ पे जो है आपको देखना है कि कौन कौन से महाद्वीप कहाँ पे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये देखेंगे आप कि कौन सा जो है आप जल संधि किस किस को सागर को अलग कर रही है, ठीक है। आगे हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको जो है अपने मैप में देखते चलिएगा, ठीक है। बाकी तो जो नेक्स्ट क्लास की जो है नेक्स्ट वीडियो, उसमें तो एक एक करके सारे महाद्वीप को दिया हुआ है, तो वहाँ भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये है अंटार्कटिका है, और देखिए पृथ्वी का जो अधिकांश स्थल भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में है, इसको भी आपको याद रखना है। और एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है।
देखिए यूरेशिया होता है तो जो एशिया और यूरोप एक ही भूभाग के रूप में दिखाई देते हैं, इसीलिए जो है इसको जो है यूरेशिया के नाम से ही जाना जाता है। एशिया और यूरोप को एक साथ मिला के यूरेशिया कह दिया जाता है, ठीक है, जो कि सिर्फ यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अगर पूछा जाता है कि एशिया और यूरोप जो है किससे अलग होता है, किसके द्वारा अलग होता है, तो जो यूराल पर्वत है और नदी है, यूराल नदी ही है और यूराल पर्वत है, तो इनके द्वारा जो है एशिया और यूरोप जो है एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा एशिया के बाद अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब एशिया के बाद दूसरे नंबर पे कौन है, तो अफ्रीका, अफ्रीका है, ठीक है। और अफ्रीका जो है अफ्रीका के बीच से जो है विषुवत वृत्त, ठीक है, जो विषुवत वृत्त है वो क्या होती है, अफ्रीका के बीच से गुजरता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अफ्रीका एक ऐसा क्या महाद्वीप है जिसके बीच से जो है क्या होती है, विषुवत रेखा गुजरती है, या फिर ये कह दे कि विषुवत रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। इसीलिए जो है अफ्रीका का एक भाग जो है आपके उत्तरी गोलार्ध में और दूसरा भाग आपको दक्षिण गोलार्ध में दिखाई पड़ता है। आप मैप के साथ साथ इसको देखते चलिएगा, मिलाते चलिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि जो आपका उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है वो पनामा देश की पूर्वी सीमा पर मिलते हैं, ठीक है, इसको भी मैप में आप मिलाइएगा। अब देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप, अगर आपको पूछा जाता है तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। पूरा ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, आपके दक्षिणी गोलार्ध में है, इसे द्वीपी महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से जो है जल से घिरा हुआ है। आपने देखा होगा कि अगर ये है आपका मैप अगर लेते हैं तो ये जो विषुवत है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिण को, तो पूरा जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया जो है पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध है, और आसपास आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी ऐसा देश महाद्वीप या कुछ भी ऐसा नहीं है जो इससे टच होता है, कोई भी भूखंड नहीं है, पूरी तरीके से जल से ये घिरा हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको जो है द्वीपी महाद्वीप भी कहा जाता है, एक द्वीप की तरह ये जो है दिखाई पड़ता है, ठीक है। अंटार्कटिका एक बड़ा महाद्वीप है, इसका क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इसको आपको नहीं याद रखना है, यहाँ देखिएगा अंटार्कटिका महाद्वीप हिम की मोटी परतों से ढका है, और महाद्वीपों में यही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ मनुष्य स्थायी रूप से नहीं बस, क्योंकि ये पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है, हिम से ढका हुआ है, तो यहाँ पे मनुष्य का रहना असंभव है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मनुष्य जो है स्थायी रूप से नहीं बसे हुए हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं स्थलाकृतियों के बारे में। तो देखिए धरातल प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं दिखाई देते, ठीक है, एक समान जो है आपको धरातल को या पृथ्वी को, ठीक है, उसको जो है आप एक समान नहीं है, इसके कुछ भाग जो हैं बहुत ऊबड़ खाबड़ हैं और समुद्र तल से कई हजार मीटर ऊंचे हैं। अब समुद्र तल जब भी आएगा तो आपके माइंड में आना चाहिए कि किसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो धरातल के कुछ भाग समतल समुद्र तल से ज्यादा ऊंचे नहीं हैं। स्थल की इन आकृतियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए आप देखते होंगे कि कहीं पे जैसे समुद्र तल है तो स्थल आकृति, कहीं पे ऐसे होगा, कहीं पे सीधा होगा, ठीक है, तो इस तरह से कहीं पे ऊबड़ खाबड़ इन चीजों में है, तो इन्हें ही जो है मुख्य रूप से इस तरह से जो इनकी आकृति है, ठीक है, तो इनकी आकृति के अनुसार जो है इनको तीन रूप में बांटा गया है, एक तो पर्वत पठार और मैदान, ठीक है, आकृतियों के आधार पे ही इनको बांट दिया गया है पर्वत पठार और मैदान में, ठीक है, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, धरातल में मुख्य स्थल आकृतियां, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके इन स्थलाकृतियों को देखते हैं, तो पर्वत देखते हैं, तो पर्वत उस भूखंड को कहते हैं जो आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है, ठीक है, पर्वत क्या होता है कि आसपास के क्षेत्र से बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप ये ले लो, ये है, तो अगर यहाँ पे इस तरह से है इस तरह, तो इसको नहीं बोला, अगर यहाँ पे है इस तरह तो ये है, तो पर्वत जो है वो आसपास के जो जितने उसके क्षेत्र हैं उससे बहुत ज्यादा
ऊंचे उठे हुए रहते हैं और ये बहुत ऊंची पहाड़ियों का एक समूह है और लंबी श्रृंखलाओं के रूप में फैला होता है। इन श्रृंखलाओं को पर्वत श्रेणियां कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब हम हिमालय को पढ़ते हैं तो इस तरह से कहीं पे ये इस तरह से ऐसे ऐसे जो है ये है, ठीक, ऐसे कहीं पे इस तरह से, तो ऐसे जो है ऊबड़ खाबड़ इस तरह से बने हुए, तो इनको जो है आप क्या कहते हैं, पर्वत श्रेणियां कहते हैं। ठीक है, जो आपको एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है जो आपका हिमालय का। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। आप जो है आप एग्जाम आप अपने उसमें देखिएगा मैप में कि कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं अमेरिका में, एशिया में, ये सारी चीजें आपको मैप में मिलाना है। ये आपका होमवर्क रहेगा अगर आप करते हैं तो। पर्वत भिन्न भिन्न ऊंचाइयों और आकृतियों के होते हैं। पर्वत में यह अंतर मुख्यतः इनकी आयु, देखिए जो इनकी जो ऊंचाई है और आकृतियां हैं अलग अलग आप हर जगह देखते हैं, तो इसका कारण ये होता है कि इनकी जो है आयु में जो है भिन्नता होती है। ठीक है, आयु में जो है भिन्नता के कारण जो है ऊंचाइयां और आकृतियां जो है अलग अलग होती है। स्टेटमेंट में दे दिया जाए तो आपको याद रखना है। हिमालय जैसे पर्वत बहुत ऊंचे हैं और इनके शिखर नुकीले हैं क्योंकि इनकी आयु कम है। ठीक है, आप देखिएगा बहुत ऊंचे होते हैं और इस तरह से नुकीले होते हैं, इसका मतलब है कि इनकी आयु जो है कम है। दूसरी ओर अरावली जैसे पर्वत कम ऊंचाई पर है, आपने देखा होगा इस तरह से कम ऊंचाई पर है, तो इसका मतलब है कि इसके शिखर जो है गोलाकार हैं इस तरह। ठीक है, इस तरह है क्योंकि इनकी आयु जो है बहुत अधिक है। क्लियर है, तो आयु के आधार पे ही जो मतलब इनके जो आकृतियां और ऊंचाई होती है वो आयु की वजह से ही होती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और है कि हिमालय जो है नवीनतम है और अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। ठीक है, इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पठार देखते हैं। पठार जो है आसपास की नीची भूमि के एकदम सीधा उठा हुआ विस्तृत और लगभग समतल भू भाग है। देखिए पर्वत और पठार में आपको अंतर अगर नहीं समझ आता तो यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, पर्वत जो होते हैं वो इस तरह से भूभाग ऐसे होंगे। ठीक है, इस तरह से होंगे या फिर ऐसे होंगे, और जो आपका जो पठार होता है पठार मुख्यतः इस तरह से होता है, एक टेबल की तरह होता है, टेबल की तरह इस तरह से जो है पठार होते हैं। ठीक है, तो इसको आप अपने माइंड में रखिएगा कि पर्वत और पठार के दो अलग अलग चीज़ें यही है। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं और उनको ये लगता है कि पर्वत और पठार एक ही है। ठीक है, तो लगभग जो समतल भूभाग होते हैं वो जो होता है क्या होता है, पठार होते हैं। क्लियर है इतना, आगे देखते हैं। तो जैसे कि आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं पठार के रूप में, आप दक्कन का पठार है, और याद रखिएगा जो तिब्बत का पठार है वो जो है संसार का सबसे ऊंचा पठार है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और मैदान देखिए, मैदान जो है अपेक्षाकृत समतल और लक्षण विहीन नीचे भूभाग को मैदान कहते हैं। ठीक है, तो जो बिल्कुल समतल होते हैं, जो नीचे होते हैं, उसको जो है मैदान बोला जाता है, ये आपको पता है। और अधिकतर मैदान नदियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टेटमेंट के रूप में दिया जा सकता है, याद रखिएगा, अधिकतर मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं। ठीक है, मैदान जो है नदी और उनकी सहायक नदी द्वारा बने होते, तो कैसे, तो देखिए नदियां पर्वतीय ढालों से नीचे की ओर बहती, जिस तरह से हिमालय से नदियां बह के आती है, ठीक है, तो उन पर जो है अपरदन करती है, जैसे हिमालय से इस तरह से अगर नदी बह के आ रही है तो इस पे अपरदन होता है। ठीक है, इस अपरदित पदार्थ में जो इस तरह बहते तो अपने साथ क्या लेके आती है, कंकड़ पत्थर बालू और कांप और चिकनी मिट्टी, इस तरह से जो है नदियां अपने साथ क्या करके आती है, बहा के लेके आती है। ठीक है, और नदियां अपने मार्ग के दोनों ओर घाटियों में इन पदार्थों का जमाव करती है। ठीक है, इस तरह है, तो इधर अगर पर्वत है इस तरह से, ठीक है, तो ये जो है इधर लेके आया, इधर से लेके आया, तो इस तरह ये जो है घाटियों में जो है उन अपरदित पदार्थों का क्या कर देती है, जमाव कर देती है, और इसी से जो है, इसी जमाव से जो है आपके मैदान का निर्माण होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, अगर स्टेटमेंट में देता है और देता भी है, एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो नदियां द्वारा बनाए गए कुछ सबसे बड़े मैदान हैं कौन से हैं, तो नदियों द्वारा जो सबसे बड़ा मैदान बनाए थे एशिया और
उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। और भारत का उत्तरी विशाल मैदान जो है, जो आपके उत्तर प्रदेश बिहार की साइड है, ठीक है, तो ये जो है सबसे विशाल मैदान है, भारत के उत्तरी विशाल मैदान, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। अब चलिए देख लेते हैं जल मंडल को। तो देखिए धरातल का लगभग 2/3 भाग क्या है, जल से ढका हुआ है, और विशाल जलाशय होने के कारण महासागर जो है जल मंडल के प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है। तो झील और नदियां भी जल मंडल है, जहां पे जल होगा वो जल मंडल कहलाएगा, और पृथ्वी में धरातल में जो है 2/3 भाग जो है जल से ढका हुआ है, ठीक है। और जैसे कि जल मंडल के अंतर्गत आप महासागर को भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत विशाल जलाशय है, छोटे से झील को ले सकते हैं, तालाबों को ले सकते हैं, नदियों को ले सकते हैं, सारी चीजें जो है आपके जल मंडल के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसमें बहुत मुख्य इम्पोर्टेंट चीज है हम महासागर, ठीक है। तो महासागर को देखते हैं, तो देखिए विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, महासागर कहलाते हैं, ठीक है। अब महासागर देखते होंगे, मान लो यहाँ पे है आपका आप अमेरिका देखते हैं, एशिया देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रशांत महासागर, से यहाँ पे आप एशिया ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, तो इनके बीच में है आपका प्रशांत महासागर है। तो देखिए आप महाद्वीप है, तो महाद्वीप द्वारा जो है अलग हो रहे हैं विशाल जलाशय, तो इसी को जो है आप महासागर कह लेंगे। आप इसको मैप में देखते जाएंगे अपने साथ, तो ये चीजें आपको आसानी से समझ आएगी। आप मैप लेकर के बैठिएगा, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़े मैप लेकर ही बैठ कर लेकर ही बैठे, ठीक है। तो देखिए इस दृष्टि से जो है उनका क्रम, देखिए सबसे जो बड़ा महासागर है उसके क्रम के हिसाब से दिया हुआ है। तो देखिए सबसे बड़ा महासागर जो है आपका प्रशांत महासागर है, क्वेश्चन आते हैं आपको याद रखना है, और यहीं पे जो है आपका मेरियाना ट्रंच है, जो सबसे गहरा स्थान है, ठीक है। दूसरा अटलांटिक महासागर है, तीसरे नंबर पे आपका हिंद महासागर है, और आर्कटिक महासागर है, ठीक है। अंटार्कटिक के चारों ओर जो है प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के विस्तार को दक्षिण महासागर कहा जाता है, ठीक है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है, मतलब जितने महाद्वीप है उससे भी बड़ा जो है प्रशांत महासागर है, ठीक है। प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना खाई जो है संसार का सबसे गहरा स्थान है, याद रखिएगा, और कितना मीटर गहरा है, तो 11,022 मीटर, क्लियर है। और प्रशांत महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, दूसरी ओर जो है आपके क्या है, दूसरी ओर है आपका अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है। आप जो है मैप में देखिए अपने, अब देखिए जो आपका अटलांटिक महासागर एक ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से तथा दूसरी ओर यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ, ये चीजें पूछी जाती है, इसको आपको याद रखना है। और आगे जब आप इसको पढ़ेंगे, महासागरीय धाराएं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तो आपको जो है अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप उनको आसानी से समझते चलेंगे, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर एक ओर जो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा दूसरी ओर उसके क्या है, यूरोप है, ठीक है। यहाँ पे आपका मान लो जो है उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, यहाँ यूरोप है, यहाँ जो है आपका क्या है अफ्रीका है, तो इसके बीच में है जो है आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब देखिए इस महासागर की तटरेखा क्या है, बहुत कटी फटी है, ठीक है, इसी कारण इसकी लंबाई प्रशांत और हिंद महासागर की तटरेखाओं की कुल लंबाई से भी अधिक है, याद रखिएगा। जो अटलांटिक महासागर है इसकी जो तटरेखा है प्रशांत और हिंद महासागर से भी अधिक है, टटी फटी या कटी फटी तटरेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं, तो याद रखिएगा जहां पे कटी फटी तटरेखाएं होंगी वहां पे जो है आपके बंदरगाह होंगे, और व्यापार की दृष्टि से ही ये सबसे अधिक व्यस्तम महासागर होता है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम क्या है, किसी देश के नाम पे रखा गया है, आपको पता है भारत के नाम पे जो है, हिंदुस्तान के नाम पे जो है हिंद महासागर का नाम रखा गया है, ठीक है। तो यह महासागर जो है तीन ओर से स्थल से घिरा है, और इसके उत्तर में एशिया, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम में जो है अफ्रीका है। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे मालूम भारत का, यहाँ पे आप देखा होगा हिंद महासागर है, ठीक है,
तो ये हिंद महासागर है, तो ये भारत भी एशिया का ही पार्ट है, तो उत्तर में जो है इसके क्या है, एशिया है। इधर आप देखिए पूर्व में जो है आपके ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और जो यहाँ है पश्चिम की साइड क्या है, अफ्रीका है, ठीक है। तो ये देखिए तीन तरह से ये है जो है स्थल से या महाद्वीप से जो है ये महासागर घिरा हुआ है, ठीक है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है, यह आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है। वास्तव में यह अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार ही है। यह बेरिंग जल संधि से अलग होता है। आप आज जो है आप सारी जल संधियों को भी देखेंगे, कौन सा महासागर जो है किस जल संधि द्वारा जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। उथले समुद्र के संकरे भाग द्वारा प्रशांत महासागर से मिला हुआ है, ठीक है। आप पता है जो जल संधि है वो दो महासागरों को मिलाती है, ठीक है। तो आप सारी जल संधियों को आप देखेंगे और आपके एग्जाम में भी जो है जल संधियों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वायुमंडल देखते हैं, तो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे वायु के आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। यह धरातल से कम 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। मान लो ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, और ये जो है आपके वायुमंडल यहाँ से घिरा हुआ है, तो धरातल से लेके जो है ये जो है लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है। वास्तव में वायुमंडल की लगभग 97% वायु धरातल के निकट है, ठीक है। जो ये जो है आपका धरातल है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो है पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपके वायुमंडल है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे जैसे क्षोभ मंडल आता है, ठीक है, समताप मंडल आता है, इस तरह से जो है लास्ट तक वायुमंडल तक का होता है। तो ज्यादातर जो वायु है वो जो है आपके 97% वायु जो है धरातल के निकट ही है, मतलब लगभग क्षोभ मंडल और समताप मंडल के अंदर ही जो है आपका 97% वायु है, ठीक है। और वायुमंडल में ऊंचाई पर यह विरल होती जाती, जैसे जैसे हम जो है बढ़ते जाते हैं तो ये जो है बहुत ज्यादा विरल होती जाती, मतलब फैली हुई होती है, ठीक है। बहुत ऊंचाई पर यह इतनी विरल हो जाती है कि वायुमंडल और वायु विहीन बाह्य अंतरिक्ष के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं रहती, मतलब जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है वायु जो है बहुत ज्यादा फैली होती है, विरल होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो वायु कई गैसों जैसे कि क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इनका जो है मिश्रण है वायु, ठीक है। धरातल के निकट वायु में इन गैसों का मिश्रण आयतन के अनुसार लगभग एक समान अनुपात में रहता है, क्लियर। तो यह अनुपात इस प्रकार से है, जैसे नाइट्रोजन का जो है, नाइट्रोजन जो है 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, और अन्य गैसें जो है 1% होती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है जीवनदायिनी गैस होती है, सबको पता। देखिए और यहाँ पे याद रखिएगा जो आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन जो है, देखिए ऑक्सीजन तो जीवनदायिनी है, ठीक है, लेकिन जो हमारी ग्रोथ जो होती है, जितने जीवधारी हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो, उसके लिए जो है इम्पोर्टेंट जो कौन है, तो नाइट्रोजन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी है वो पेड़ पौधों के लिए जरूरी है, ठीक है। वायुमंडल के निचले भाग में जल वाष्प होती है, इससे पृथ्वी पर वर्षा और हिमताप होता है। तो जल वाष्प से ही जो है पृथ्वी पर जो है वर्षा और हिमताप होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वायु के घनत्व में ऊंचाई के अनुसार अंतर आता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो डेंसिटी जो है कम होती जाती है, ठीक है। अब देखिए यह समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है, लेकिन ऊंचाई के बढ़ने के साथ तेजी से क्या है, घटता जाता है, ठीक है। यह समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है, लेकिन ऊंचाई के बढ़ने के साथ जो है इसमें तेजी आती है। जैसे हम जो है धरातल से ऊपर बढ़ते जाते हैं तो वायुमंडल का तापमान भी कम होता जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे भी एक फैक्ट है जो आपके एग्जाम के में आता है कि हम जैसे जैसे धरातल के ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर भी क्या होते जाता है,
कम होते जाता है। और वायुमंडल के और डिटेल में जैसे हम क्षोभ मंडल पढ़ेंगे, समताप मंडल पढ़ेंगे, वायुमंडल पढ़ेंगे, आयन, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लास सेवेंथ की एनसीईआरटी में उसको और डीपली जो है हम वहाँ पे देखेंगे, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वायु में भार होता है, ठीक है, इसीलिए यह धरातल पर दबाव डालती है, याद रखिएगा। ठीक है, वायु में भार होने के कारण ही ये जो है धरातल पर दबाव डालती, और हमें इसके भार का अनुभव नहीं होता क्योंकि हमारे शरीर के बाहर और भीतर यह दबाव जो है समान होता है। साइंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न होती है। वायु दाब के इस अंतर के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है। क्लियर है, वायु दाब में जो अंतर होता है कहीं पे अलग, कहीं जैसे वायुमंडल के दबाव की मात्रा जो है अलग अलग स्थान पे अलग अलग होगी। ठीक है, और वायु दाब में जो इस तरह से अंतर दिखाई पड़ता है इसी के कारण जो है वायु में क्या होती है, गति होती है। और जो वायु गतिशील होगी उसी को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। ठीक है, तो पवन क्या होता है, तो एक गतिशील वायु है, इसको भी याद रखिएगा। वायुमंडल पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती है, जिसके कारण दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है। ठीक है, वायुमंडल के ही कारण जो है दिन और रात में इतना ज्यादा हमें फर्क नहीं दिखाई देता है। ठीक है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो यहाँ भी चंद्रमा की भांति दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती है। यहाँ भी आप याद रखिएगा, चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, चांद पे वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, अब देखते हैं जैवमंडल। धरातल पर एक सीमित क्षेत्र ऐसा है जहाँ भूमि, जल और वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। पहले ही मैंने बता दिया कि जहाँ पे भूमि, जल, वायु एक साथ मिलते हैं वहाँ जैवमंडल, वह जैवमंडल कहलाता है। ठीक है, तो इस सीमित क्षेत्र में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां है, अतः यहाँ विभिन्न प्रकार के जीवन और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यह क्षेत्र धरातल के कुछ ऊपर तथा कुछ नीचे जल और वायु में फैला है, इसे ही जो है जैवमंडल कहते हैं। एक वर्ड में आपको याद रखना है, जहाँ पे तीनों चीजें मिलती है, भूमि, जल और वायु, वहाँ जैवमंडल बनते हैं, और इसी वजह से जो है वहाँ पे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जो जीवन के लिए जरूरी होती है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, इतनी चीजें आपको समझ आ गई होगी। ये है आपका जैवमंडल का दिखाया हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है आपका, ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है वायुमंडल है जो पृथ्वी की तरफ है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर घिरा हुआ है। ये आपका जल मंडल है और ये आपका स्थल मंडल है। ठीक है, तो तीनों के मिल रहा है वो जो है आपका जैवमंडल कहलाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। क्लियर है इतनी, अब देखते हैं। जीवों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है, ये आपको पता है, तो जो हम अक्सर पढ़ते हैं साइंस में जूलॉजी, बॉटनी, तो जो वनस्पति जगत और एक प्राणी जगत में, तो जैवमंडल में जो है मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, पृथ्वी के ये सभी और वनस्पति, प्राणी जगत में मतलब जो जीव जंतु आते हैं, मनुष्य आते हैं, और वनस्पति जगत के अंतर्गत जो है आपके पेड़ पौधों को लिया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के ये सभी परिमंडल किसी न किसी रूप में एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जितने भी परिमंडल है, चाहे जल है, चाहे वायुमंडल है, चाहे एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जो पेड़ पौधों को अगर हम काटने से मिट्टी की जो परत है वो कटकर बह सकती है। ठीक है, अगर हम पेड़ पौधों को काटते हैं तो पेड़ पौधों जो मिट्टियों को पकड़ के रखती है, और जैसे हम उसको काटेंगे तो सारी मिट्टी जो है परत, जितनी परत होगी वो सारी बह जाएगी। इससे नदियों की तलहटी में मिट्टी का जो है जमाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और नदी में जो है बाढ़ आ सकती है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। फिर भी प्राकृतिक परिस्थितियों में हमें जो है प्रकृति में इन संतुलन को देखने को मिलता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कटे हुए पेड़ों के स्थान पर नए पेड़ जो हैं उग जाते हैं, प्रकृति जो है इसको जो है मैनेज कर लेती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अगर हम इसको प्रकृति में एक चीज है कि वो एक हद तक, एक लिमिट तक चीजों को क्या करती है,
मैनेज कर लेगी, खुद उग जाएगी, लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो अब मैनेज कर पाए। इसलिए जो है कई जैसे प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, धूल कण, धुआं, कूड़ा कचरा, इन चीज़ों को हम देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही है आपका पृथ्वी का परिमंडल। वीडियो आई थिंक आपको समझ आया होगा, ये चीज़ें समझ आई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। तो नेक्स्ट में हम जो है अफ्रीका महाद्वीप को देखेंगे, ठीक है, एक एक करके हम सारी जो एनसीईआरटी को कंप्लीट करते चलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस चैनल से जितने रिलेटेड नोट्स हैं अगर आपको चाहिए, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे जितने जो भी पढ़ाया जा रहा है अगर उसका नोट्स चाहिए तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉच।